नमस्कार दोस्तों, एसएससी इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप साहू। दोस्तों, आज की मेरी यह वीडियो टीमरमैन, मोल्ड ऑपरेटर, लैडलमैन, लैडल फोरमैन, शिफ्ट इंचार्ज एंड सीसीएम के सभी भाई लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएफसी यानी कि नोजल फिलिंग कंपाउंड के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एनएफसी कितने टाइप्स की होती है एंड एनएफसी को बनाने में कौन कौन से केमिकल का यूज किया जाता है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि एनएफसी को मैक्सिमम कितने टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग सीसीएम, कास्टर या मैकेनिकल के किसी भी फील्ड से हैं, तो आप सभी लोगों के वर्किंग अकॉर्डिंग इस चैनल पर 100 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड है, जो आप लोगों के नॉलेज पर्पस से बनाई गई है। सो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके यूज के बारे में। दोस्तों, एनएफसी का यूज लैडल एंड ट्वेंडिस में किया जाता है, और एनएफसी का यूज करने का मेन कारण होता है हमारे लैडल एंड ट्वेंडिस से लिक्विड मेटल को फ्री ओपनिंग कराना। अगर हम एनएफसी यूज ना करके किसी अदर मटेरियल या सब्सटेंस का यूज करते हैं, तो लिक्विड मेटल को ओपनिंग में प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए हमें ऑक्सीजन सिरिंज का यूज करना पड़ता है। जैसे कि आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि जब हम लांस के थ्रू नोजल ओपन करते हैं, तो ऑक्सीजन लगने से हमारे नोजल कट जाते हैं, जिससे नोजल के लाइफ और साइज दोनों पे काफ़ी फर्क पड़ता है, जिससे कभी कभी हमारे कास्टिंग की स्पीड भी बढ़ जाती है। एंड इसी प्रॉब्लम से बचने और नोजल लाइफ को इंक्रीज करने के लिए एनएफसी पाउडर का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनएफसी के बारे में, यानी कि एनएफसी कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों, एनएफसी तीन टाइप्स की होती है। पहला एनएफसी एस, दूसरा एनएफसी सी एंड तीसरा एनएफसी जेड। हालांकि दोस्तों, तीनों एनएफसी का यूज एंड कलर सेम होता है, बट इनमें जो केमिकल के परसेंटेज होते हैं वो माइनस प्लस होते हैं। अब बात करते हैं इसके प्री हीटिंग टेम्परेचर के बारे में, यानी कि एनएफसी को मैक्सिमम कितने टेम्परेचर तक गर्म करना चाहिए। तो दोस्तों, किसी भी नमी को बाहर निकालने के लिए एनएफसी को सबसे पहले एक घंटे के लिए लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीटिंग करना चाहिए। उसके बाद एनएफसी को मैक्सिमम 75 से लेकर 85 टू 90 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म करना चाहिए। अगर आप लोग ओवन का यूज कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर सेट करके ऑटो मोड पे रखें। एंड अगर आप लोग लकड़ी वगैरह जला के गर्म करते हैं, तो बीच बीच में चेक कर लें और टेम्परेचर प्लस होने पर आग को कम कर दें। अगर दोस्तों आप लोग एनएफसी पाउडर को उसके लिमिट टेम्परेचर से अधिक गर्म कर देते हैं, तो उनमें जो केमिकल के कंटेंट होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे हमारे लैडल या ट्वेंडिस में फ्री ओपनिंग के चांसेस 0% हो जाते हैं। जैसे कि नोजल चोकिंग होना, नोजल का फंसना, रुक रुक कर एनएफसी का गिरना, लैडल ट्वेंडिस में लांस का लगना जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। अब बात करते हैं इसके मेल्टिंग टेम्परेचर की। तो दोस्तों, हमारे एनएफसी का मेल्टिंग पॉइंट 1300 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1350 डिग्री सेल्सियस तक इसमें टेम्परेचर को सहने की क्षमता होती है। अब बात करते हैं एनएफसी में यूज होने वाले रॉ मटेरियल के बारे में, यानी कि केमिकल कंटेंट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप लोगों के सामने एक टेबल सा शो हो रहा है। ये एनएफसी में यूज होने वाले केमिकल कंटेंट होते हैं, जो कि एनएफसी एस, एनएफसी सी एंड एनएफसी जेड में यूज किए जाते हैं। इन तीनों टाइप्स के एनएफसी में यूज किया जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, सिलिकॉन डी ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड, कार्बन, जिर्कोनियम डी ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सभी एनएफसी के रॉ मटेरियल होते हैं, जो कि अलग अलग टाइप के एनएफसी पाउडर में उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ऐड किए जाते हैं। एंड दोस्तों, एनएफसी यानी कि नोजल फिलिंग कंपाउंड, ये एनएफसी का फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों, एनएफसी की कुछ
मुख्य विशेषताएं होती हैं, जैसे कि एनएफसी लैडर नोजल की फ्री ओपनिंग करने में मदद करती है, एनएफसी वेल ब्लॉक और नोजल प्लेट की लाइफ को बढ़ा देती है, एनएफसी लैडर को खोलने के लिए ऑक्सीजन लांसिंग की आवश्यकता को कम कर देती है, एनएफसी कास्टिंग के दौरान लैडर ना खुलना या रिटर्न जैसी घटनाओं को काफ़ी हद तक कम कर देती है। तो दोस्तों, ये थी एनएफसी से रिलेटेड एक छोटी सी जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।